माय चैनल डियर नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास फिफ्थ का लक्ष्मी सिंह वाला। हम आगे आगे देखते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स और सीड डिस्पर्सल। ठीक है, हाँ तो आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म वेदर अ प्लांट और एन एनिमल produces new individual. In most of the plants they make new plants. कुछ plants होते हैं जो खुद के नए plant बना देते हैं through their seeds के द्वारा। In this chapter we will also explore the ways of producing new plants from different parts of plants. चलिए आइए। Reproduction in plants. Most of the plants bear flowers. कुछ प्लांट्स होते हैं बियर फ्लावर्स, देखते हैं। दीज फ्लावर्स डेवलप इनटू सीड्स, ये सीड्स में डेवलप होते हैं, उसके बाद ये न्यू प्लांट राइज करते हैं एकदम सेम पेरेंट्स प्लांट जैसा, टाइप द सेम टाइप एज द पेरेंट्स प्लांट। आगे नेक्स्ट पेज में आते हैं। सीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ फूड। सीड्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ फूड है। ऑल द ग्रेन्स दैट वी ईट्स आर सीड्स, जो भी हम ग्रेन्स खाते हैं वो सीड्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ग्राम, किडनी, बीन्स, पीस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सीड्स। कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड क्यूमिन आर ऑल्सो सीड्स, ये भी सीड्स। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, वो डिफरेंट शेप्स के रहते हैं, साइजेस के रहते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। सम सीड्स लाइक कैस्टर, ड्यूटा, मैंगो आर बिग इन साइज। अब देखेंगे मैंगो खाएंगे तो उसमें बड़े सीड रहते हैं, कोई छोटा मस्टर्ड, कैडम, क्यूमिन ये सब आर वेरी स्मॉल इन साइज में रहते हैं। ये देखिए कोई स्मॉल इन से डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ सीड्स है। यहाँ पे देखिए इसका प्लीजेंट स्मेल आता है। ये देखिए आगे आते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स बट नॉट ऑल द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बहुत सीड्स पर सारे न्यू प्लांट्स नहीं। सीड्स रिक्वायर, उसके लिए चाहिए हम लोग फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। उसके लिए फेवरेबल कंडीशन न्यू प्लांट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। ओनली दो सीड्स विच गेट द राइट कंडीशन चाहिए ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ग्रो इन टू प्लांट्स सॉरी दिस राइट कंडीशंस आर। ये राइट कंडीशन क्या क्या है? सीड्स शुड बी हेल्थी रहना चाहिए, सीड डैमेज्ड सीड्स डू नॉट ग्रो इन टू न्यू प्लांट। डैमेज सीड जो होता है वो नए प्लांट में नहीं ग्रो कर पाएगा। सीड्स शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉयल चाहिए, एकदम सही सॉयल चाहिए एंड मिनरल्स फ्रॉम इट, मिनरल्स भी उसका सही चाहिए। सीड्स शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर, उसको सही अमाउंट का वाटर चाहिए, एयर चाहिए, लाइट चाहिए एंड वार्मथ चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लेते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लीजिए आप। यहाँ ये यंग प्लांट है, सीड कोट है, कोटिलेडन है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड डिकॉर्ड सीड का। ठीक है, ये जो सीड कोट होता है वो सीड का प्रोटेक्ट देता है सीड को। देखिए अ सीड कवर्ड बाई अ सीड सीड कोट प्रोटेक्टेड द सीड इनसाइड द सीड कोट्स इनसाइड द सीड कोट्स। सीड्स हैव फ्लैसी सीड्स लीव्स, दीज आर आल्सो फ्लैसी वो है लीव, उसको हम लोग कोटिलेडन कहते हैं, कोटिलेडन भी कहते हैं। दे स्टोर फूड्स फॉर द बेबी प्लांट, ये स्टोर फूड को स्टोर रखते हैं बेबी प्लांट के लिए। द बेबी प्लांट इसको यूज करता है दिस फूड्स टिल इट्स ग्रोस, ये बढ़ता है और वो उसका यूज करके और रूट्स एंड लीव्स आफ्टर वो भी बढ़ते हैं। और द फूड्स फ्रॉम द कोटिलेडन इज यूज्ड यंग प्लांट्स भी उसका कंटिन्यू यंग प्लांट्स बन जाते हैं, कंटिन्यू मेकिंग दियर ओन फूड, ये अपना ओन फूड बनाते रहते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब हम जर्मिनेशन पे आते हैं। देख लीजिए ये छोटे से स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीड टू अ बेबी प्लांट। देख लीजिए, पहले ये देखो सीडलिंग। ठीक है, व्हेन अ सीड गेट्स ऑल द फेवरेबल कंडीशन इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट विच इज कॉल्ड अ सीडलिंग। जब कोई सीड फेवरेबल कंडीशन आके उबर के इनटू जब ग्रो इन चेंज होता है बेबी प्लांट पे, उसी को सीडलिंग कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अ सीड टर्निंग इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन।
यहाँ इस जर्मिनेशन, इसके आगे हम लोग यही बता रहा है कि जैसे बड़ा होता है कैसे बड़ा होता है वो करता है। आगे आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, इजी है। और ये एक्टिविटी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको करना हो तो कर लीजिएगा, बहुत इजी एक्टिविटी है, ठीक है। देख लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टॉपिक देखिए, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम रूट्स एंड लीव्स। ये देखिए, नॉट ऑल फ्लॉरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन दियर सीड्स। सारे प्लांट्स डिपेंड नहीं होते हैं सीड्स पे, रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, कोई कोई न्यू प्लांट्स कर देते हैं, न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर देते हैं। समटाइम्स आप देखते होंगे कि कभी कभी न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम, स्टेम से आते हैं, और रूट्स और लीव्स उनके पेरेंट्स प्लांट रहते हैं। प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, ये देखिए, ये द स्टेम्स ऑफ रोज, ये आप रीडिंग रीड कर लीजिएगा, इजी है, आपको पता ही है कि पोटैटो, जिंजर एंड ओनियंस आर एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स, पोटैटो, जिंजर्स, ये आपको पता ही होगा। ये देखिए, आपको मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ, एक्टिविटी आप देख लीजिए, ठीक है। एक्टिविटी आपको करना हो तो कर लीजिएगा, इजी, ये भी इजी एक्टिविटी है, दोनों में से आपको कोई भी करना हो कर लीजिएगा। हम लोग आगे आते हैं प्लांट्स फॉर रूट्स में, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आता होगा। सम रूट्स लाइक दोज ऑफ स्वीट पोटैटो, कुछ रूट स्वीट पोटैटो जैसे डहेलिया, कैरेट एंड रेडिस कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ये हेल्प करते हैं न्यू प्लांट लाने में। इफ़ वी कट द टॉप पोर्शन ऑफ कैरेट, ये अगर हम लोग देखिए कैरेट का पिक्चर, टॉप पोर्शन अगर हम लोग कट कर दें कैरेट का, कट टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट एंड प्लांट इट इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। ग्राउंड पे जब आता है तो वहाँ से न्यू प्लांट आया होने लगता है फिर से। प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, समटाइम्स न्यू प्लांट कैन ग्रो लीव्स से होते हैं। ब्रायफिलम इज अ कॉमन एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट का, विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स लीव्स, ये प्रोड्यूस करता है प्लांट्स को लीव्स से। टीनी टीनी बर्ड्स ग्रो इन द मेरिगिन ऑफ द पेरेंट्स लीव, आफ्टर सम टाइम दे फॉल ऑन दी, जब वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं तो वहाँ से ग्रो कर देता है न्यू प्लांट्स। ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट। सीड डिस्पर्सल, अब आपको सीड डिस्पर्सल तो पता ही होगा, कभी गांव में जाते होंगे तो देखेंगे किसान लोग ऐसे सीड को डिस्पर्स करते हैं, तो वो लोग अवे हो जाते हैं, न्यू प्लेसेस पे जाते हैं, अवे हो जाते हैं फ्रॉम द अपने पेरेंट्स प्लांट से, इस मोड से सीड डिस्पर्सल को सीड डिस्पर्स करते हैं। सीड डिस्पर्सल फोर टाइप्स में डिवाइडेड है, विंड डिस्पर्सल, वाटर डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल एंड एक्सप्लोसिन और बर्स्टिंग। अब वाटर विंड डिस्पर्सल मैं आपको बता दे रहा हूँ, विंड डिस्पर्सल अब डंडोलियन सीड जो होता है, जब कभी हवा चलता है तो वो उड़ जाता है, जब दूर जाके जहाँ गिरता है वो वहाँ वो न्यू प्लांट्स आ जाते हैं, ऐसे वो ऐसे विंड डिस्पर्सल होता है। आपको मैं इसको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ये देखिए, ऑर्चिड सीड्स, डंडोलियन सीड्स, साइकेरम सीड्स, हाँ, तो एनिमल डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल पे आते हैं। एनिमल जैसे कि ये देखिए, ये Some plants have juicy fruit that animals like to eat. कोई juicy उसी रहते हैं, only the juicy fleshy part of the fruits is digested inside these animals' bodies. The stones and pipes are extracted and produces new plants. ये अपने मुँह में बीज लेके जाते हैं, कभी दूर दूर चले जाते हैं, वहाँ से मुँह से कोई गिर जाता है वो डिस्पर्स हो जाता है वहाँ पे, वहाँ राइट कंडीशन पाके वो न्यू प्लांट्स वहाँ आ जाते हैं, ऐसे ही एनिमल डिस्पर्सल होता है। ये देखिए, आप सोचते हैं ह्यूमन बींग वो करते हैं कि नहीं डिस्पर्स, ह्यूमन बींग आल्सो ईट फूड्स, वो भी फूड लाइक फूड खाते हैं, रेड रेंज, मैंगो, पियर एंड प्लम्स, द फ्लैसी पार्ट हम लोग ईट कर लेते हैं, ऑफ द फूड इज ईटन एंड द सीड्स आर थ्रोन अवे, जो सीड्स रहता है उसको हम लोग थ्रो अवे कर देते हैं। वैन द सीड जब वो राइट कंडीशन में रहता आ जाता है वो जर्मिनेट हो जाता है वहाँ पे। हम वाटर डिस्पर्सल देख लीजिए, इसका पिक्चर, डिस्पर्सल ऑफ कोकोनट सीड बाई वाटर, ये जो कोकोनट होता है ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करता है। दिस मेथड वर्क फॉर सीड्स विच कैन फ्लोट इन वाटर, कोकोनट सीड्स कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस सीड्स सीस कैन एंड ओशंस, सीड्स ऑफ लोटस एंड लिली आर आल्सो डिस्पर्स,
बाई वाटर, वाटर से ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए डिस्पर्सल बाई एक्सपोशन, ये देखिए ये आप देख सकते हैं लेडी फिंगर, और ये वो है यहाँ इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कहाँ है इसका एग्जाम्पल, हाँ देखिए ठीक है। और बर्थिंग इज रेडी फिंगर पीस बीन्स एंड बेसलैम्स, हाँ तो आप इसका समरी कर लीजिएगा, ठीक है। और ग्लोसरी भी इसका पढ़ लीजिएगा, इसका मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ, उससे एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डीए नॉलेज पे आपको मेरा और भी सब्जेक्ट्स का वीडियो मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।